यहाँ पर मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। ये पूरा मैंने मिक्स सब्जी काट लिया है। इसमें तकरीबन 25 तरह की सब्जियाँ हैं, जैसे कि अंकुर में 56 भोग बनता है गोवर्धन पूजा वाले दिन, तो हमारे घर में ही इतनी जितनी सब्जियाँ थी उसी को मिक्स करके हमने यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल बनाया हुआ है, जो कि भगवान जी को भोग लगाएंगे, कान्हा जी को, और गणपति भगवान जो कि घर पर आए हुए हैं, लक्ष्मी माता, उनको भोग लगाने के लिए ये सब्जी बनती है। वैसे तो ये 56 भोग बनती है, 56 तरह की सब्जियाँ होती हैं इसमें, लेकिन हमारे घर में जितनी सब्जियाँ थी वही हमने इसमें करके बनाई हैं। ये भी सब्जियाँ कोई कम नहीं थी, इसमें भी 25 तरह की सब्जियाँ मिली हुई थी। उसके अलावा हमने बनाई खीर और पूरी। यहाँ पे मैंने सब्जी एक साथ डाल दिया है और सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, नमक, स्वाद अनुसार सब चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। मिर्ची इसमें कम ऐड करी है क्योंकि इसमें हरी मिर्च पहले से ही ऐड है। अब इसको ढक कर के रख देंगे, सिर्फ इस सब्जी को गलना बचा हुआ है, अच्छी तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने खीर चढ़ा दी थी, खीर पहले से ही हो रही थी, चावल पहले से ही भिगो करके रखा हुआ था, चावल भी यहाँ पे भीग गया था, और उसके बाद ये चढ़ा दिया था इंडक्शन पे, अपना धीरे धीरे ये बन रहा था। उसके बाद हमने फिर से थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी को चेक किया और ये देखिए ये सब्जी पूरी गल गई है। इसमें मुझे टमाटर थोड़ा सा कम लग रहा था, अदरक, नींबू और टमाटर मैंने इसमें फिर से ऐड किया था थोड़ा सा। लंबे लंबे टमाटर काटने से टमाटर गल जल्दी जाते हैं। यहाँ पर खीर में मैंने डाल दिया है चीनी और थोड़े से मेवे, काजू, ये सब मैंने कूट करके रखे थे, वही सब यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। सब्जी को फिर से एक बारी चला दिया है लास्ट टाइम, और यहाँ पे सब्जी भी हमारी लगभग बन करके तैयार हो गई है। कुछ भी इसमें डालना नहीं था क्योंकि सब चीज़ मैंने एक साथ ही डाल दिया था। उसके बाद ये अपने आप गलती जा रही थी, पक गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद पूरी बनाई, पहले भगवान जी को भोग लगाने के लिए एक थाली मैंने निकाल ली थी जिसमें पूरी, सब्जी, खीर और पानी था, बस इतनी ही चीज़ें भगवान जी को भोग में लगाई। जितना काम आराम से हो जाए उतना ही करना चाहिए। तो दिवाली थी इसके पहले, उसके बाद सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ था, तो जितना काम हो पाया उतना ही मैंने किया। यहाँ पे पूरी बन गई है, उसके बाद सब्जी निकाल लिया है और ये खीर है, ये भगवान जी को भोग लगाने जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तीन तरह के चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें तीन चीज़ें तो नहीं हैं, चार पूरी है, खीर है, सब्जी है, प्लस पानी भी है। उसके बाद अगले दिन था भाई दूज, तो भाई दूज में यहाँ पे देखिए मैं अपने बेटे को भी तिलक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने पगड़ी बनाई थी, वो मैंने इसको पहनाया, उसका टीका करा, और ये मैं इसको चीनी खिला रही हूँ क्योंकि ये मीठा कुछ खाता नहीं है, जा दादी के पैर छू ले, करता तो मैंने इसको चीनी खिला, आशीर्वाद ले लो चुप। और ये अब जा रहे हैं अपनी दादी का पैर छूने। मिट्टी दे दो पैर छूने वाला, जाओ मिट्टी दो दे दो।
उसके आगे की वीडियो। उसके बाद मैं अपने मैके गई थी, वहाँ पे मैंने भाई दूज किया और मैके में मेरी भतीजी हुई है, देखा भी थी उसी दिन और भाई दूज भी मनाया। तो वीडियो में लास्ट तक आगे देखिएगा। वीडियो पे नया चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे करें, कमेंट करें। यहाँ पर मैं अपने भाई को टीका कर रही हूँ। मेरा भाई जो है वो मुझसे बड़ा है, सभी लोग पूछते हैं कि भाई आपके बहन के छोटे, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरी भतीजी का ये पहला भाई दूज था, उसने भी अपने भाई को टीका किया। वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, चलते हैं, बाय।